आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस के अनोखे कारनामे जारी हैं। तैयारों के बाद कौमी एयरलाइन की कैटरिंग गाड़ियां भी गायब होने लगी। लाहौर से सियालकोट जाते दो कैटरिंग गाड़ियां कहां गई? पीआईए हुक्काम हैरान और परेशान। हस्बे रिवायत सीईओ ने मैनेजर को फूड सर्विस हसन महमूद कुरैशी को मुअत्तल कर दिया। इसी हवाले से बात करेंगे राना मोहम्मद अली से। जी राना मोहम्मद अली, बताइएगा जी, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो की मिसाल तो सुनी होगी। इस हवाले से ये मिसाल पीआईए पे फिट होती है, क्योंकि पीआईए के जो अफसरान हैं उन्होंने ऐसी हरकत की है कि एक जेली पास के जरिए दो तकरीबन कैटरिंग फूड की लदी गाड़ियों को लाहौर से सियालकोट भिजवाने के लिए अहकाम जारी किए, और वो गाड़ियां लाहौर एयरपोर्ट की कैटरिंग से तमाम सामान लेके सियालकोट एयरपोर्ट रवाना भी हुई। रिकॉर्ड के मुताबिक और जो हमें लेटर मिला लाहौर न्यूज़ को मौसूल हुआ, उसके मुताबिक डिप्टी जो जनरल मैनेजर फूड एंड सर्विसेज हसन महमूद कुरैशी, उन्होंने जो आउट पास पे साइन भी किए और गाड़ियां जैसे लाहौर से सियालकोट रवाना हुई रस्ते में गाड़ियां गायब हो गई, समेत वो सामान भी सारा गायब कर दिया गया। इस हवाले से फौरी तौर पर सीईओ ने नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि ऐसे अफसरान को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए और ये गाड़ियां बवा सामान के बरामद की जाए। जबकि पीआरओ से मेरी अभी बात हुई है, पीआई के, उनका ये कहना है कि जो गाड़ियां वो हमने हमें ढूंढ ली हैं, वो हमें मिल गई हैं, लेकिन जो उसमें लाखों रुपए का सामान था वो नहीं मिला। जबकि एयरपोर्ट जराए का हमें ये बताया है कि वो गाड़ियां भी अभी तक नहीं मिली, जिसके हवाले से प्रॉपर तौर पे इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। और जराए का ये भी कहना है कि इसमें मजीद लोग शामिल हो सकते हैं जो पीआईए कैटरिंग में मुलविस हैं, और वो किस तरह लाहौर एयरपोर्ट से 2 करोड़ रुपए लागत की गाड़ियां स्पेशल जो जहाज के अंदर उसने अपलिफ्ट। बहुत शुक्रिया आपका राना मोहम्मद अली, तफसीलात से आगाह करने के लिए।